सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। यादव डेयरी फार्म रेगुलर आपको अच्छी क्वालिटी का पशुधन दिखाने के प्रयास में हर उस पशुपालक के यहाँ से कवरेज लेके आते हैं, जो चाहे बिक्री का काम करने वाला हो या फिर एक पशुधन तैयार करने वाला, क्योंकि मोस्टली अगर इस प्रयास को कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिक्री वाले पशुपालक कर सकते हैं, क्योंकि एक उमदा क्वालिटी फील्ड से तलाश के आप भाइयों के लिए लेके आते रहते हैं। उसी में हम आपको अच्छा पशु दिखाने का एक माध्यम मात्र, जिसमें रेगुलर अपने चैनल पे वीडियोज आती रहती है। तो जो भी भाई इस कवरेज को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। रेगुलर वीडियोज के लिए साथ में हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि वहाँ भी आपको वीडियोज मिलती रहें। तो रूटीन से काफ़ी सोशल वर्कर हैं, काफ़ी वर्क कर रहे हैं, अच्छे पशु दिखा रहे हैं, लेकिन जब बात आती है क्वालिटी की तो मैं कहूँगा शायद जितना प्रयास करके हम आपको पशु दिखा रहे हैं बिल्कुल एक से एक दो शानदार कटड़ियाँ वैसे, या बीच बीच में हम एक आध जो गाय की वीडियो भी शेयर करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि गोवंश ज़्यादातर बिक्री में आए, हर भाई उसको प्रमोट करने के बजाय अडोप्ट करने लग जाएगा। तो आज जो गाय हमें बेसहारा सड़क पे घूमती दिखाई देती है, एक दिन वो हमारे पशुपालकों के घरों में दिखाई पड़ेगी। तो आज की वीडियो काफ़ी जानी मानी जगह, जहाँ से एक विश्वास के पात्र युवा पशुपालक हैं, काफ़ी कम एज में मैं कहूँगा पशु चिकित्सा के साथ साथ में अच्छी अच्छी जो फील्ड से जो कटड़ियाँ तलाश के लेके आते हैं, क्योंकि आज जो बड़ी पेमेंट खर्च नहीं कर सकते वो कटड़ियाँ तैयार कर रहे हैं, और कम लागत में अगर जो भैंसे या जो हिफर तैयार करने का एक ऑप्शन सबसे बेटर है, क्योंकि हर पशुपालक आज 2 लाख 2.5 लाख की भैंसे नहीं खरीद सकता। तो सामने आप देख पा रहे हैं मोनू भाई को आपको मिलवाएंगे, उससे पहले मैं इनका एड्रेस बताना चाहूँगा, गाँव अहमदपुर पड़तल डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा से ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो इनसे मिलवाएंगे आज, कितनी हिफर दिखा रहे हैं डिटेल से पूछेंगे। आप भाई लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड जो होने वाली है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार भाई मंजित, सबसे पहले आपका हमारे घराने पर स्वागत है भाई आपका। धन्यवाद जी। तो आज कितनी कटड़ियाँ दिखा रहे हो? दो दिखाएंगे सर। दो, तो शुरुआत पहले नंबर से करें, क्या डिटेल है इसकी? भाई साहब ये 2.5 साल की हो गई है। जी जी। और अर्जुन कुंगड़ के साथ के डॉक्टर है अपने, उसके पास से लेके आए हूँ। जी जी जी। और इसके माप के 15 बार भी आ रही है भाई साहब। 15वीं बार। हाँ जी, 18 किलो दूध देती है। हाँ। और उनके घर की पार्टी है जी। जी 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 जी। 15 बार जो काविंग की है वो भैंस आपके मित्र के ही पास है। जी 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 जी। तो एक बार इस कटड़ी को खोल के आप बाहर ले आए। ये 25 दिन की जहाँ बलगी होगी है, रुस्तम के आएगा रखेगा सबने है जब तो। हाँ, 25 दिन की इनका कहना है, अगर है तो 25 दिन की प्रेग्नेंट हो चुकी है, बिल्कुल छोटे सींग की, और साइज के मामले में बहुत ऊंचाई लंबाई इस कटड़ी में अभी से मैं कहूँगा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। देखिए 25 दिन की जो प्रेग्नेंट बता रहे हैं उसकी मैं एक चीज़ आप भाइयों को पहले बताना चाहूँगा कि अगर ये इसको खाली भी बता देते, ले आओ जी, खाली भी बता सकते हैं, लेकिन बाद में अगर कोई भाई ये सोचे कि हीट पर नहीं आई और कटड़ी प्रेग्नेंट निकले, तो 25 दिन की प्रेग्नेंट है, तो नहीं तो लगभग 21 दिन पे, नहीं तो मान के चलिए आप 40 दिन के अंदर अंदर कटड़ी है वो हीट पे दोबारा आ जाती है। तो साइज बहुत बड़ा मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, और 15 बार काविंग करने की जो बात भाई ने कही है, नीचे से चारों थन अलग अलग, टेल बिल्कुल बाल ही कुछ वाइट है, बाकी ब्लैक है, क्योंकि मोस्टली थोड़े बहुत बाल आपको होने भी चाहिए, क्योंकि जो यूपी साइड से जो पशुपालक भाई हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं, अगर बिल्कुल ब्लैक टेल होना तो वो खरीदते नहीं उस पशु को। तो 15 बार काविंग, यानी एक पशुपालक एक किसान के घर पे अगर भैंस करती है तो अच्छी भैंस आप मान सकते हैं, क्योंकि आज अगर कोई भी पशु थोड़ा बहुत गलत है उसको पशुपालक सेल कर देता है। अभी इसके जो शारीरिक बनावट है वो आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे, दोनों सींग बिल्कुल छोटे और बिल्कुल छोटे हेड की, किसी भी मुर्रा पशुधन के लिए मेन चीज़ जितना छोटा फेस होगा उतनी ही सुंदरता उसकी देखते ही बढ़ती है। और हाइट का आंकलन आप कर सकते हैं मोनू भाई की हाइट के हिसाब से, कटड़ी की काफ़ी ऊंचाई लंबाई हम कहेंगे इसमें ज़्यादा। और ये वो पशुपालक है जिनके फार्म से एक कटड़ी सेल होके यूपी में गई थी, और हमने कवरेज भी डाली थी वहाँ पर, जब उस कटड़ी
कि जो मुंह खुर की बीमारी के कारण वहां पे उसने दाना नहीं खाया और डेथ होने के बावजूद हाफ पेमेंट इन्होंने वापस की थी, नहीं आज व्यापार में कोई भी नहीं करता। व्यापार में क्या जो ईमानदारी का ढोल बजाने वाले बड़े बड़े आपको पाखंडी मिलते हैं सोशल मीडिया पे, वो भी नहीं कर पाते। जो एक बिल्कुल साधारण परिवार से होते हुए इन्होंने उस लेडीज़ को हाफ पेमेंट वापस डाली, क्योंकि आप मान सकते हैं जो कम रेंज की कटड़ी खरीद रहा है वो पैसे वाला नहीं हो सकता। जबकि कई बार सोशल मीडिया पे वीडियोज से भ्रमित होके जो लोग हैं वो पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं पशु पे। तो एक इन्होंने एक इंसानियत का जिंदा हम कहेंगे जीता जागता जो उदाहरण देखने को मिला, नहीं आज पैसे आने के बावजूद कोई भी वापस नहीं देता, लेकिन इन्होंने वो वापस दिए और उस लेडीज़ का हमारे पास दोबारा मैसेज आया कि वो पैसे कहीं ना कहीं, जिसकी गरीब की आत्मा अगर गालियां देगी ना तो वो कहीं ना कहीं आपके निकल जाएंगे, चाहे वो किसी भी जरिए से निकले। तो एक हम कहेंगे 5 स्टार लिख देते हैं कटड़ियों पे, भैंसों पे, तो ये होती है 5 स्टार कटड़ियाँ। इसकी हाइट, लेंथ, सींग, कलर एक भी जगह से माइनस नहीं है। दूसरा, कटड़ी खरीदने से पहले नीचे से आप उनका थन वगैरह जैसे दिखाए ये जरूर देखें, क्योंकि 5 थनी 6 थनी कटड़ियाँ वो फिर बाद में पशुपालक के घर जाने के बाद बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ऑनलाइन आजकल पशु परचेज सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। इधर दूसरे नंबर पे एक और छोटी कटड़ी, इसकी क्या डिटेल है डॉक्टर साहब? भाई साहब मन जी के 16 महीने की है। जी जी। और एचएल डिब्बी सिमन की है। जी। और इसकी मास का दूध 19 किलो थर्ड व्यात में है जी, ये गांव से इसलिए है सर। अच्छा, गांव से ही खरीदी है। तो 19 किलो की भैंस आपके गांव में है? फिलहाल ब्यात है सर, वो बिल्कुल है। अच्छा, बच्चा देने वाली है। जी जी। तो इसकी कितनी एज बताई आपने? 16 महीने की। एक बार इसको भी ले आओ। 16 महीने की बिल्कुल यंग कटड़ी है और सींग क्वालिटी आप इसकी देख सकते हैं, क्योंकि हर पशु की क्वालिटी थोड़ी अलग होती है। इस कटड़ी का जो सींग है वो अभी उम्र के हिसाब से जब पूरा राउंड होके आएगा तो कटड़ी और भी अच्छी जो सींग की क्वालिटी इसकी दिखेगी। देख सकते हैं शरीर का साइज, मोस्टली ग्रामीण माहौल में इतनी काफ़ी पशुपालक हैं, ज़्यादा पशु होने के कारण इतनी केयर नहीं कर पाते, तो थोड़ी नॉर्मल सी लिस्सी ज़रूर है, लेकिन जो नॉर्मल लिस्सेपन पे जो पशु होगा वो लगभग मान के चलिए आप जो खरीदेगा उसके घर जाके भी आराम से जल्दी से दाने पे लग जाएगा। तो ये दोनों कटड़ियाँ बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। साथ में मैं बताना चाहूँगा, खुद AI करते हैं, फील्ड में घूमते हैं, लगभग पशु एक व्यापारी के बाद अगर किसी के नॉलेज में मिलेंगे तो वो एक डॉक्टर होता है, क्योंकि व्यापारी जितनी फील्ड कवर करता है डॉक्टर उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं हर पशुपालक तक जुड़ा हुआ होता है। तो ये दोनों कटड़ियाँ इनके पास बिक्री के लिए उपलब्ध है। रेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मौके करेंगे भाई साहब, मौके का ही बिल्कुल जायज रेट में ऐसे दे देंगे, कहीं ले भी नहीं सकते। अच्छा अच्छा, इनका कहना है कि एक ऐसा रेट होगा जो कहीं पे भी आप वीडियोस में सोच नहीं सकते, क्योंकि फील्ड में जो ज़्यादा घूमेगा ना, सबसे मेन चीज़ भाव का पशु उसी के पास होगा। पशु भाव पे भी काफ़ी पशु ऐसे होते हैं जो थोड़ी बहुत अगर कमी भी है तो वो भाव पे तय हो जाती है, लेकिन आजकल वीडियोस में मैं कहूँगा जो ऑनलाइन देख के पशु खरीदते हैं वो ठगी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो पशुधन देख के जाँच के लें, क्योंकि कोई भी सोशल वर्कर पशु दिखाने का एक जरिया है, और ये आप लोग अभी लगभग ताज़ा जो वीडियो चल रहे हैं YouTube पे उनमें देख भी चुके हैं कि जो ज़्यादा ईमानदारी का पाखंड करेगा ना वो एक टका वापस देने वाला नहीं होता, ना सोशल मीडिया का भाई हो चाहे वो। अभी इनके पशु बिक रहे हैं, मुनाफा इनके घर आएगा, घाटा इनके घर आएगा, हम सिर्फ आपको दिखाने का एक जरिया है। तो एक बार अपना संपर्क नंबर बताएं जी। 98173 जी। 98173 76173 76173। कोई भी भाई संपर्क कर सकता है। एक चीज की संतुष्टि हम करते हैं कि कोई भी अगर ऑनलाइन भी इनके पास खरीदता है, खाते में पैसे भी डालता है, तो फ्रॉड वगैरह का कोई चक्कर नहीं, बिल्कुल साफ काम मिलेगा। दूसरी बात, पशु आगे ये कटड़ियाँ जरूरी नहीं, इसकी जो मदर ने 19 किलो दूध दिया है तो ये 19 किलो ही दूध दे। दूध क्या पता ये 10 की निकल जाए, ये 15 किलो की, 20 किलो की। लेकिन कटड़ियों में आप कहीं से भी खरीदे, ब्यूटी जरूर देखें, सुंदरता बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 15 किलो वाली 13 किलो दूध देगी तो भी पशुपालक संतुष्ट है, लेकिन सुंदरता अगर होगी ना तो पशु दूसरे जो बाहर से जो भी कोई देखेगा वो ये मेन चीज़ सुंदरता देखता है। अगर कटड़ियाँ आपको आजकल जो स्लेटर हाउस वाले हैं उनको भी कटड़ियाँ खरीद खरीद के बहुत भाई बेच रहे हैं, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ
कि कम बेच ले, अच्छे पशु बेचे, ताकि आपका भी नाम हो और बेचने वालों का, और साथ में पूरे हरियाणा प्रदेश का नाम हो। तो सभी भाई, हाँ जी, वो कौन आए थे भाई का? डॉक्टर साहब, आप इतनी सुंदर कटनी क्वालिटी कहाँ से लाते हो? जी सर, ये हरियाणा, इसमें कुछ भी मिल सकता है। जी जी, तुम बोले सर हमें तो आज तक मिले नहीं, आप ये बताओ लाते क्या? भाई साहब मंजित, इस बात की क्या वो क्या बताए, किसी पैसे देते हैं? बिल्कुल, चोरी थोड़ी करते हैं। कई बार भाई साहब किसान की मजबूरी में पशु सस्ता मिल जाए, कई बार हमारी मजबूरी होती है, पशु इतना पसंद आ जाए कि हमें ये लगे कि 5000 महंगा भी खरीद रहे ना, तो 5000 महंगा खरीदने वाला भी मिलेगा जी। तो इन चीजों का तो कोई जोड़ नहीं। हरियाणा है, यहाँ 20 किलो की नहीं दिखती थी, उन भाइयों को भी 25-25 किलो की, जमींदार जो बिल्कुल नॉर्मल किसानों ने दिखा दी, तो व्यापारियों की तो आप मान के चलिए अलग ही पशु मिलेंगे आपको। तो मंजिल ऐसी तो बहुत है जो दिखाने नहीं चाहते, 20-20 किलो दूध खूब मिलती है जी। हमारे काम में दो झोटी मेरी खार की में 20-20 किलो दूध है भाई साहब आज भी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखिए इन्होंने बताया कि इनके गांव में आज भी प्रेजेंट में दो झोटी पहले ब्यात की 20-20 किलो दूध की तैयार है जी। तो जिन भाइयों ने नहीं देखी है वो देख सकते हैं, इस तरह की चीजें आपको हरियाणा में मिल जाएंगी नॉर्मली, कोई बड़ी बात नहीं। 20 किलो की भैंसे, एक वो पशुपालक है जिसने अपने घर पे तैयार की, एक वो है जो उसको 20 किलो वाली को खरीदता है, और एक वो भी पशुपालक ही है जिसने 20 किलो की देखी ही नहीं है। तो सब तरह के रंग आपको इस दुनिया में मिल जाएंगे। बाकी कोई भी भाई अधिक जानकारी के लिए इनसे संपर्क कर सकता है, रूटीन से इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। काफ़ी अच्छी ऑफर लेके आते हैं, जितनी भी वीडियोज़ बनवाई हैं पब्लिक ने काफ़ी ज़्यादा पसंद की है। इस विश्वास का पात्र जो है वो मोनू भाई है, और हमारे चैनल पे ये वीडियो दिखा रहे हैं, इसके लिए इनका धन्यवाद करते हैं। सभी भाई लास्ट तक जुड़े, सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।